हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th मॉरल एजुकेशन का पेपर है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का। पेपर का पूर्णांक है 50 नंबर। पेपर का टाइम है 3 घंटा 15 मिनट और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन आपका पहले का क्या है, देश के गौरव की रक्षा करना किसके प्रति कर्तव्य है, समाज के, देश के, परिवार के, मानवता के। देश के गौरव की रक्षा करना कि यह किसके प्रति कर्तव्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, देश, देश के प्रति कर्तव्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, खे बाल्यावस्था की उम्र है, जन्म से 5, 6 से 12, 12 से 18, 7 से 11। बाल्यावस्था की उम्र, तो बाल्यावस्था की उम्र होती है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गया आपका छोटी माता रोग है, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवक से या फिर एलर्जी से। छोटी माता रोग, तो छोटी माता रोग होता है विषाणुओं से, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, घ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। ले आपका वीमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर है, 10-98, 10-90, 10-95, 10-99। वीमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर, तो वो है 10-90, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, नैतिक शिक्षा का एक उद्देश्य लिखिए, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा चरित्र की रक्षा करना, यह भी एक उद्देश्य है, ठीक है। विश्व शांति की स्थापना में योगदान करना किसके प्रति कर्तव्य है, तो ये मानवता के प्रति कर्तव्य है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कुरान, कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। मानव अधिकारों के प्रति हमारा एक कर्तव्य लिखिए, ठीक है, तो इसमें भी लिख सकते हैं आप। वीमेन पावर लाइन के दो उद्देश्य लिखिए, तो यहाँ पर जो है वुमेन इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और महिलाओं की रक्षा करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। आयकर की दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है, जो इनकम टैक्स होता है उसकी दो विशेषताएं लिखिए। योग की एक परिभाषा लिखिए, बैठकर किए जाने वाले दो आसनों के नाम लिखिए। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं सेकंड पेज, यह है पेपर का सेकंड पेज, ठीक है। कर्ल फेयर रोग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, और संतुलित आहार की परिभाषा, ठीक है। खेल का शिक्षा में महत्व लिखिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम लिखिए, और प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए, ये यूनान से हुए थे, ग्रीस से, लगभग 1893 के आसपास में। खेलों की उपयोगिता, अस्थियों की कार्य, ठीक है। तो गाइज बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।